चुनौती में रहे, सब अपने अपने कामों को रीडिफाइन करना कोशिश किए। इसी के कारण एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति, जो हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, एक प्रकार से आप लोग उसको देखते आए हैं, आज पहली बार पोस्ट कोरोना फेज में, कोरोना की उपरांत, हम प्रत्यक्ष 36 संगठनात्मक इकाई, स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनिट के साथ, लगभग हमारी 346 मेंबर है, आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है, सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने, माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन के एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई, लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं दो विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। मित्रों, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश की ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। कार्यकारिणी सबसे पहले नाडा जी की आह्वान पे पार्टी की सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता और वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रधानमंत्री जी को पुष्पहार देके स्वागत किए। मित्रों, कोरोना में विश्व एक असमंजस्य स्थिति में रही। हमारी देश में मास्क, पीपी किट, मेडिसिन, ऑक्सीजन की किल्लत, हमारे देश में अमूमन 1900 से 1000 मेट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की खपत होती थी। इसी चाल एक सप्ताह आया जिसमें हमारी खपत बढ़ के 9000 मेट्रिक टन तक पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। मेडिकल ऑक्सीजन अमूमन देश की उत्तर हिला इलाका में नहीं बनते हैं, औद्योगिक इलाका पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बनता है। लॉजिस्टिक की व्यवस्था नहीं थी, रोड, रेल, आकाश मार्ग, जलपथ
सारे माध्यमों को उपयोग करते हुए देश के अंदर देश की बाहर अनेक ऐसे अनोखा पहल करके मित्रों 2000 जनवरी में पहला कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव भारत में हुई। विश्व में उसकी कोई अनुभव नहीं था, उसकी निदान कैसे होगा उसको किसी को कल्पना ही नहीं थी, लेकिन 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। आज माननीय प्रधानमंत्री उसी को नेतृत्व करते हुए हम सभी के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। कार्य समिति उनकी उस पहल को देश की ओर से और विशेष करके पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया और उनको देश की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। मित्रों, किसी भी प्रकार की जब महामारी होती है, महामारी में लोग तहस नहस होते हैं, उनकी जाने जाती हैं, लेकिन जब जब भी विश्व इतिहास को हम पढ़ेंगे, जब महामारी या त्रासदी होती है उसके उपरांत और एक चीज उसके साथ जुड़ जाता है, भुखमरी। अर्थनीति डिसरप्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन ठप होती है, काम काज काम धंधे ये सब जब लोगों को दुविधा में डालती है, सबसे पहले चुनौती रहता है अन्न की व्यवस्था कैसे हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण मित्रों, मैं आपको एक ऐसे ही सहज स्टैटिस्टिक्स बताऊं, संपूर्ण यूरोप की आबादी लगभग 75 करोड़ है, 750 मिलियन है पूरा यूरोप की, और भारत में प्रधानमंत्री जी ने 2020 मई से अब की छठ पर्व तक 2021 नवंबर तक मनुष्य इतिहास में सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम चलाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना, प्रति माह 80 करोड़ नागरिकों को प्रति माह 5 किलो अन्न, चावल या गेहूं, दाल, इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज देश की अर्थनीति पुनः पटरी पे आने लगा है, कामकाज सहज स्वाभाविक होने लगा है, व्यवसाय बढ़ी है, GST कलेक्शन उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है, स्कूल कॉलेज देश भर में खुलने लगे हैं, जिंदगी सहज होने लगा है। मित्रों, ये सब गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी सही समय में सही निर्णय की लेने की, उनमें जो एक डिसाइसिव निर्णय की कैपेसिटी उनकी है, आज देश उससे लाभान्वित है,
कार्य समिति ने उसके लिए भी उनको आभार प्रकट किया। मित्रों, जम्मू कश्मीर हमारी देश की अविच्छेद्य अंग है, यह हम विशेष करके भारत की एक तबका जब धारा 370 लागू हुआ उस समय से भारत की संसद से लेके भारत की गलियारों में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान से लेके आगे, मित्रों मैं आपको स्पष्ट करूं, धारा 370 कोई एक पार्टी विशेष की नारा या दायित्व नहीं था। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं कांग्रेस की नेतृत्व भले ही 370 उस समय में लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथा पार्लियामेंट में अनेक सदस्यों ने शुरुआत की दौर से धारा 370 जो अस्थाई था उसको उच्छेद किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाएगा। वहां के गरीबों की, वहां की आदिवासी, वहां की वंचित वर्ग, वहां की पिछड़े, वहां की पहाड़ी लोग, उनकी विकास नहीं हो पाएगा। ये महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये शंका शुरू से रखी गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी की कौशल्य के कारण आज जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। वहां की धारा 370 2019 अगस्त 5 से हटने के उपरांत ये लगभग 2.5 साल हो गया है। उस 2.5 साल के अंदर आज जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ी है, पर्यटन बढ़ी है, श्रीनगर की नजारा बदली है, नौजवानों के साथ अभी अभी गृह मंत्री सीधा संवाद करके आए हैं, जम्मू कश्मीर में IIM IIT एम्स श्रीनगर और जम्मू में खुलने लगे हैं। ये मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, आज नड्डा जी ने उसको उल्लेख किया और याद किया। जब भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में CAA लागू किया, कई प्रकार की शंकाएं जताई गई थी, क्या होगा, क्या किसी को छोड़ दिया जाएगा, क्या नागरिकता क्यों दिया जा रहा है। मित्रों, हमें कहने की आवश्यकता कुछ नहीं है, दुनिया उसकी साक्षी है। कुछ महीना पहले जब तालिबानी ताकत अफगानिस्तान को दखल किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि प्रमाणित हुई। जिन जिन समूहों को हमने CAA के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कहे थे, वो सारा विषय आज सभी को संवैधानिक ढांचे के अंदर सुरक्षा दी गई। आज उसके लिए भी कार्य समिति आभार प्रकट किया। मित्रों, इन दिनों में अनेक जगह पे अनेक पहल हुए हैं, देश शांति में रहे, प्रजातांत्रिक ताकत मजबूत हो। इतने बड़े देश में हमको लीगेसी में और निर्णयता की लीगेसी के कारण, इंडिसिसिवनेस के कारण अनेक क्रोनिक इश्यू हमारे सामने था। धीरे धीरे मोदी जी की सरकार उसको एक लंबे समय के लिए कॉन्क्रीट, कोई शॉर्टकट के आधार पे नहीं, भले ही कुछ विषय के लिए हमको सामूहिक रूप में आलोचना सहना पड़ा होगा, मैं उसके एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, आज स्थायी रूप में बोडोलैंड में अनेक वर्षों के बाद शांति स्थापित हुई है। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं, देश की पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, धीरे धीरे देश में अमन चैन भाईचारा बढ़ी है। मित्रों, इन दिनों में किसानों के बारे में अनेक लोग अनेक बात कह रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक देश है, सबको अपने अपने बातों को कहने का अधिकार है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर कहूं, जब 2014 में हम लोग जिम्मेवारी संभाले
किसानों के खाते में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया की व्यय की व्यवस्था थी बजट में। अभी अभी वित्त मंत्री जी ने जो पिछले बार बजट स्थापित किया वो एक्सपेंडिचर अमाउंट व्यय की व्यवस्था 1,23,000 करोड़ तक पहुंची है। 10 किस्त की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दिया गया है। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, गन्ना हो, कपास हो, सारे एग्री कमोडिटी की कृषि उत्पादित द्रव्यों की MSP बढ़ाई गई है CACP की रिकमेंडेशन के आधार पे। और कोई तथ्य को आकलन करके देखें, आजाद भारत में हाईएस्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी की पिछले 7 साल के कार्यकाल में हुए हैं, इसीलिए आज की कार्य समिति मोदी जी के जी को आभार प्रकट किया। मित्रों, ऐसे ही दलित मित्रों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासी वंचित वर्गों के बारे में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और अनेक भावना की चीज लिया गया है जो अतीत में सरकारों ने, जिनके हाथ में सरकार रही वो सारे प्रमाण भी है, उन्होंने क्या किया और पिछले 7 साल में क्या क्या गया। मित्रों, उसमें से मैं एक विशेष समूह के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, सिख भाइयों के बारे में। मोदी सरकार ने चार ऐसे, मैं आपको गिनाने के लिए मैं कई चीज गिना सकता हूं जिसको माननीय नाड्डा जी ने उल्लेख किया है। मैं नाड्डा जी को उद्धृत करके चार विषय बताता हूं। सिख गुरुद्वारों को, सिख सामाजिक संगठनों को FCRA ग्रांट अनुमति नहीं थी, उनको वैश्विक स्तर में सिख विचार में, धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की अनुदान मिलने में दिक्कत होती थी। हमारी सरकार ने उसकी सरलीकरण किया, आज ये बहुत दिनों की मांग समाज की थी उसको पूरा किया गया। लंगर में जो गुरुद्वारा में जो लंगर लगती थी उसकी ऊपर GST लगती थी, पहले टैक्स लगता था, लंगरों को GST की सीमा से बाहर रखा गया है, GST मुक्त किया गया है। लंगर समाज की एक अन्न भंडार है, सिख समाज की एक अनोखी योगदान है भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए, नाडा जी ने उसको सराहना किया है। मित्रों, 120 करोड़ रुपया खर्चा करके लंबे समय से पवित्र करतारपुर कॉरिडोर की मांग होते आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको पूरा करके सिख समाज की बहुआकांक्षी भावनात्मक मांग को पूरा किया है। मैं 84 की दंगा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा ही, बहुत लोग बहुत घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समय आबादी के अंदर SIT गठन करवाना और उसकी रिपोर्ट को मानते हुए उसकी दोषियों को दंड दिलाने के काम पे एक्सपीडिएट किया गया है। 84 के बाद 314 ऐसे मित्रों को ब्लैकलिस्ट करके रखा गया था भारत की व्यवस्था में, उनमें से 2 को छोड़ के बाकी 312 मित्रों को ब्लैकलिस्ट की तालिका से, उस लिस्ट से उसको हटा के उनको जनरल किया गया है। इसके कारण जो संदेह के वातावरण था, जो कंफ्यूजन था, विशेष करके समाज के मन में, सिख भाई बहनों के मन में एक
पीड़ा थी। नाडा जी ने मोदी जी का आभार प्रकट किया मरहम लगाने के लिए। मित्रों, नाडा जी ने पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव में सफलता हुए हैं, वो बिहार हो, कई राज्यों की उपचुनाव हो, कई राज्यों की स्थानीय इकाइयों की चुनाव हो, नाम लेने से भारत की कोई राज्य ना छूटेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जड़ और नीचे नहीं जाते हुए दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेतृत्व को नाडा जी ने पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया। मित्रों, इस बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। आजाद भारत में पहली बार भारत की सभी प्रांतों ने, सभी विचार समूह ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अगुवाई में बनी, प्रधानमंत्री जी की सामने जो राष्ट्रीय शिक्षा मसौदा रखा गया है, उसको जो एक व्यवस्थित कानूनी जामा पहनाया गया, उसकी सराहना नाडा जी ने आज कार्य समिति में किया। मित्रों, पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। कार्य समिति हमारी लंबे अंतराल के अंदर बैठी है। इस प्रकार की कार्य समिति जब बैठती है, पुराने लेखा जोखा को याद करना, अभी की परिस्थिति को समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को दोहराना, यही कार्य समिति में होते रहता है। आज भी अपने अध्यक्षीय भाषण ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी भी केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और तेलंगाना में तो एक प्रकार से माहौल मित्र ऐसे बना है जैसे भारतीय जनता पार्टी की शासन आ ही गया है। वहां की टीआरएस को लगातार दो दो उपचुनाव में हराना, और जिस ढंग से अभी अभी हजूराबाद में जिस मतों के व्यवधान पे वहां के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, वो अपने आप में तेलंगाना की बदली हुई राजनीति की द्योतक है। उसको भी आज कार्य समिति में सराहना किया गया है। इन बाकी राज्यों में, विशेष करके आंध्र और उड़ीसा, वहां की संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी को सत्ता तक ले जाने की पहल की योजना बनी। केरला में वहां की स्थानीय सरकार की तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ पार्टी अपने स्पष्ट मंतव्य रखे। मित्रों, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी एक बात अपने ही पहला कार्य समिति जब उन्होंने जब चुने थे 2014 में, तब उन्होंने एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा था जिसमें से कई पड़ाव हमने पार किया है। उन्होंने मैं जा जिन नामों को दोहराया उसी के अंदर उन्होंने आसाम के नाम लिया था, त्रिपुरा के नाम लिया था, पूर्वोत्तर के नाम लिया था। आज पूर्वोत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार चुनाव करके जुड़ चुका है। और अमित भाई शाह जी ने उस समय में एक बात कही थी, वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार से माइलस्टोन बन चुका है, उत्कर्ष आना बाकी है। आज माननीय नड्डा जी ने हूबहू माननीय अमित शाह जी की इस बात को दोहराया है, उत्कर्ष आना बाकी है। और उसको कहते हुए उन्होंने बहुत ही भावनात्मक दृष्टि से दो विषय उन्होंने कहा है। मित्रों, मैं एक विषय को आऊंगा, लेकिन कुछ विषयों का टारगेट उन्होंने पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आज दिया। देश में 10,40,000 पोलिंग स्टेशन से पार्टी की छोटी इकाई सबसे
निचली इकाई बूथ कमिटी होती है। कुछ राज्यों में पार्टी उसकी नीचे जा चुका है, हमारी गुजरात एक एक्सपेरिमेंट करते हुए गुजरात ने बूथ कमिटी की नीचे पेज कमिटी, एक एक वोटर लिस्ट में जैसे एक एक पेज रहता है, गुजरात ने एक एक पेज की एक एक कमिटी बना चुका है। लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज लक्ष्य दिया 25 दिसंबर 2021 के अंदर देश की 10,40,000 बूथ को पूरा बना लिया जाएगा। लगभग 85% बूथ बन चुके हैं देश में, बाकी जो 15% बूथ बचे हैं वो बना लिया जाएगा 25 दिसंबर तक। ऐसे ही पेज प्रमुख 6 अप्रैल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी की मन की बात एक जन आंदोलन में रूप ले चुका है। ये कोई राजनीतिक संवाद प्रधानमंत्री जी करते नहीं, एक राष्ट्र नेता के नाम पे, एक राष्ट्र की आस्था की व्यक्ति के नाम पे वो आज देश की जनता से रूबरू होते हैं, सीधा संवाद करते हैं। आज देश उससे प्रेरित होती है, देश के नागरिक बेसब्री से प्रति माह अंतिम रविवार को इंतजार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है बूथ स्तर पे मन की बात को एक ढांचा देने के लिए, इंस्टीट्यूशन की रूप देने के लिए प्रत्येक बूथ में मन की बात की सुनने के कार्यक्रम भी किया जाएगा, वे भी 2022 में तक पूरा कर लिया जाएगा। यह तीन ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट, बूथ कमिटी, पेज इंचार्ज की नाम, मन की बात की सुनने की इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म, आने वाले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन व्याप्ति की एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना आज माननीय नड्डा जी ने कार्य समिति को दिया। मित्रों, मैं अंतिम बात एक बात कहना चाहूंगा, जब हम बड़े भावुक ढंग से नड्डा जी ने अमित भाई जी की उत्कर्ष अभी बाकी है वाला विषय उल्लेख किए, उनकी स्पष्ट लक्ष्य था पार्टी की संगठन और पार्टी की राजनीतिक रणनीति, उन्होंने विशेष उल्लेख करके बंगाल के नागरिकों का आभार प्रकट किया। 2021 की विधानसभा की पहले, उसकी पूर्व विधानसभा में 2016 में पार्टी की वोट परसेंटेज नगण्य था, आज पार्टी की वोट परसेंटेज 38% हुआ है। 18 लोकसभा, 77 विधानसभा, 77 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में बंगाल की आशीर्वाद हमें मिला है। मित्रों, भारत की राजनीतिक इतिहास में लगभग 9-10 करोड़ वाला प्रांत में कोई भी राजनीतिक शास्त्र की विद्यार्थी अगर उसको रिसर्च टॉपिक के नाते देखेगा तो इतनी बड़ी जन आस्था की रैपिड ग्रोथ शायद ही भारत में कहीं दिखने को मिला है, हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। जब कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय आदरणीय एन टी रामाराव जी को असन्मानित किया आंध्र में, ऐसे एक्सपेंशन हुई है। लेकिन मैं बंगाल के नाम फिर इसलिए दोबारा ले रहा हूं नड्डा जी को उद्धृत करते हुए, बंगाल आप सब जानते हो, उसके अंदर वहां के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे आस्था जताई। निर्वाचन उपरांत इलेक्शन की बाद में हमारी 53 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं, भारत की कई संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग हो, मानविक अधिकार कमीशन हो, स्थानीय उच्च न्यायालय हो या देश की सर्वोच्च न्यायालय हो, हमारी इस आपत्ति पे, बंगाल के नागरिकों की सुनवाई पे ये टिप्पणी दिया है। 53 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लगभग 1 लाख लोग अपने घर छोड़ के
शेल्टर होम में है, पार्टी वहां रिलीफ वार कर रही है। वहां तक कि अभी जब मोदी जी ने कोरोना की टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा चुके हैं, आज भी बंगाल में पार्टी आधार में टीका देने के कार्यक्रम किया जाता है। यह तो अमानवीयता का चरम निदर्शन है, इनह्यूमैनिज्म की चरम उदाहरण है। उसी स्थिति में बंगाल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान के तहत खड़ी है, यह नड्डा जी ने दोहराया है। और हमें उन्होंने आज आह्वान किया कि आने वाले जब भी चुनाव होगा बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए, संविधान को बहाल करने के लिए, अराजक तत्वों को प्रजातांत्रिक उत्तर देने के लिए हम लड़ेंगे। बंगाल की जनता और बंगाल की विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और वहां की राज्य नेतृत्व के साथ पूरा देश खड़ी है। इस प्रकार की कुछ बिंदुओं के साथ आज नड्डा जी ने अपने अध्यक्ष उद्घाटन भाषण में उल्लेख किया, पार्टी आगे की कार्रवाई जारी रखा है।